खबर उत्तर प्रदेश कासगंज से। कासगंज जनपद के गंडुवारा नगर में MR शेरवानी हाई स्कूल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज ने लोगों के साथ मिलकर संविधान दिवस मनाया। वहीं सपा प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने बताया कि भारत सरकार ने 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। इस दिन संविधान में दिए गए प्रावधानों उसके बनाने के किया के इतिहास और संविधान क्यों जरूरी है देश और नागरिकों के लिए इस पर चर्चा की जाती है। संविधान के प्रावधानों की जागरूकता बहुत आवश्यक है क्योंकि संविधान देश का सबसे बड़ा कानून होता है जिससे सरकार चलती है और नागरिकों का अधिकार मिलता है। यदि नागरिकों को अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना है तो उन्हें संविधान के प्रावधानों की जानकारी आवश्यक है। जानकारी से ही हम अपने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। संविधान दिवस पर संविधान निर्माताओं को भी याद किया गया। इस अवसर पर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बारे में चर्चा हुई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान निर्माण में आम भूमिका रही है। इस अवसर पर अब्दुल हफीज गांधी ने कहा, संविधान देश की आत्मा होती है और संविधान के माध्यम से ही देश का संचालन होता है, इसलिए संविधान का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। संशोधन के द्वारा इसकी जो ये टूटी जोड़ी गई, ठीक है, ये जो 42वां संशोधन है, कभी और क्लास में मौका मिलेगा तो बताऊंगा, ये जो 42वां संशोधन है इसको लघु संविधान भी कहते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसको। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आज हमने गंजडुंड वारा के MR शेरवानी हाई स्कूल में संविधान दिवस मनाया है। ये संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम संविधान के बारे में जानकारी फैला सकें, लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों को उनके अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। जागरूक नागरिक ही देश को मजबूत कर सकते हैं, ये संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की है। काफी लोग यहाँ पर आए थे और स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए थे। एक गोष्ठी रखी गई, गोष्ठी के बाद हमने एक क्विज प्रतियोगिता रखी थी और ये क्विज प्रतियोगिता भी संविधान से संबंधित थी। सारे के सारे सवाल संविधान पर थे जिसमें 8वीं क्लास से लेकर जितनी भी ऊपर की क्लासेस हैं उनके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी कराते रहेंगे ताकि लोगों में जागरूकता फैले, लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में, मूलभूत अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में, सरकार कैसे चलती है, कैसे इलेक्शन होते हैं, इस बारे में लोगों को जागरूकता हो सके, इसी उद्देश्य से आज हमने गंजडवारा के MR शेरवानी हाई स्कूल में संविधान दिवस मनाया था। मैं सभी लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।